हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और मैंने सोचा आज आप लोगों को एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में बताती हूँ जो ऑफ़ कोर्स इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को पसंद है, पर आपको सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा कि ऐसा देश जहाँ के लोग ज़्यादातर मुझे तीन ही कलर पहने दिखते हैं, या तो काला, या तो सफ़ेद, या तो ग्रे। और वो लोग ये फेस्टिवल बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ फैक्ट्स और कुछ अच्छी बातें जर्मनी के बारे में, होली से रिलेटेड। एंड जर्मनी तो जर्मनी, बाकी यूरोप में भी कुछ कंट्रीज़ जो इसे सेलिब्रेट करती हैं। अब आपको बताती हूँ, हम लोग बैक टू 2012 में जाते हैं और मैं आपको बताती हूँ ये कैसे शुरू हुआ जर्मनी में। तो एक बंदा था जिसका नाम हेलमान था, वो 2012 में जर्मनी में दिल्ली में किसी इवेंट पे गया। एंड देन वहाँ पर उसने देखा जो हमारा जो फरवरी और मार्च का महीना होता है, और उसने सडनली देखा कि होली का जो फेस्टिवल है वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड बहुत सारे कलर, डिफरेंट कलर्स उड़ा रहे हैं। एंड उसको ऐसा इम्प्रेशन हुआ कि ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग आप देख रहे हो कि एकदम से जब विंटर से स्प्रिंग में हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो एकदम से बहुत ही कलरफुल सब हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट उसने सोचा। एंड उसने उस टाइम पे, उसे नहीं पता था ऑफ़ कोर्स कि ये होली फेस्टिवल किसके लिए होता है या क्या होता है, बट उसने ये फिगर आउट किया। और उसके बाद बैक टू जब वो जर्मनी आया तो उसने अपनी खुद की कंपनी जो है वो ओपन करी होली कॉन्सेप्ट करके। एंड उसने जो होली हम लोग खेलते हैं सेम टू सेम जो है वो रेप्लिकेट किया। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये लोग जो होली है वो फरवरी या मार्च में सेलिब्रेट नहीं करते हैं, जब हमारे टाइम पे होली होती है। एक्चुअली ये लोग तब सेलिब्रेट करते हैं जब मौसम अच्छा होता है, मई में और अगस्त एंड में। तो अभी तक जर्मनी की होली जो है वो आई नहीं है और आने वाली है, एंड मैं पक्का जाऊंगी जब भी यहाँ पर होली होगी। पर उसने क्या किया, उसने गुड वेदर के साथ इसको रेप्लिकेट किया। एंड बहुत सारे जो यंगस्टर हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा काइंड ऑफ सेलिब्रेशन है, विद डिफरेंट कलर्स एंड बहुत सारे कलर्स उड़ाए जाते हैं बादलों में। कुछ मैं पिक्चर्स आपको रेफरेंस के लिए डाल देती हूँ। एंड बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को अच्छा लगता है। कुछ गाने चलते हैं जो यहाँ के लोकल गाने, ऑफकोर्स हमारे यहाँ के भी थोड़े बहुत चलते हैं बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ से ही आया है। अदर देन दैट, जर्मनी के अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे नीदरलैंड हो गया, एम्स्टरडैम में, वहाँ पर भी होली फेस्टिवल बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, लंदन में सेलिब्रेट होता है। तो मैं आपको इसके बारे में इतना ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल मैं गई थी एक लोकल सुपरमार्केट में और मैंने वहाँ पर उस बंदी से बोला, यार मुझे कलर चाहिए, उसे नहीं समझ में आया। जर्मन में मैंने बोला, उसे नहीं समझ में आया। एंड जब मैंने उसे बोला होली, एंड शी इज़ लाइक होली वाले कलर, और उसने मुझे जल्दी से जाके और वो जगह बता दी, एंड आई वॉज शॉक्ड। तो मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो होली वाले कलर, जो हमारी गुलाल होती है, वो यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीज़न। यहाँ के ही जो कलर्स होते हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना रखा है। तो हमारी गुलाल बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ के सेफ्टी रेगुलेशन के हिसाब से उसे यूज़ करना है। एंड कलर्स जो हैं वो 2 यूरो का एक आता है, 20 यूरो का पूरा पैकेट, तो ऑफकोर्स इतना महंगा भी नहीं होता यहाँ के हिसाब से। एंड जर्मन सुपरमार्केट या जर्मन जो लोकल स्टोर्स है वहाँ पर मिल जाता है। और ऑफिशियली अभी तक होली यहाँ पर जो है वो नहीं आई है, जब आएगी तो मैं आपको बताऊँगी। इस फेस्टिवल के बारे में मैं एक और बात बता देती हूँ, यहाँ के लोग ज़्यादा सेल्फी वगैरह लेते नहीं हैं, पर जो यंगस्टर हैं वो उसके लिए ये पर्टिकुलर फेस्टिवल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट होता है बिकॉज वो लोग कलर्स के साथ बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचते हैं एंड बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, बहुत ही अमेजिंग शॉट्स लेते हैं जो मैंने गूगल पे देखे तो मैं आश्चर्य हो गई, वाओ। हम लोगों ने जो होली थी अपनी वाली होली, इंडियन वाली होली जो है वो कल सेलिब्रेट करी थी, और देखो हमने कैसा सेटअप किया है। ओके, सो हैप्पी होली टू यू, हैप्पी होली टू दीपा।
उसके कुछ शॉर्ट्स मैं आपको डालूंगी. लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड हो क्या, जो लोग जर्मन के लोग, लाइक जर्मनी के लोग जो जर्मन्स हैं, वो जो होली खेलते हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ. और अगर आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा, लाइक बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे, तो मैं वो इवेंट पे ज़रूर जाऊंगी. बहुत सारी जगह होते हैं पर मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर होने वाले हैं. और आपको कैसा लगा ये सुन के कि जर्मनी में भी लोग होली खेलते हैं, मतलब जर्मन्स होली खेलते हैं और इन लोगों को होली के बारे में पता है? ओह, कलर्स वाला फेस्टिवल, ओह इतने सारे कलर्स वाला फेस्टिवल. तो इसी के साथ गाइज मैं जाती हूँ. ये अपने जो भी मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे पता चले होली के बारे में, मैं चाहती थी कि मैं होली के टाइम पे ही आपको बताऊँ. और आपको सबसे अमेजिंग क्या चीज़ लगी वो मुझे बताना. और जब इधर की होली होगी तो हम लोग फिर से आएंगे वीडियो लेके. बाय बाय गाइज. ओ गाइज एक चीज़ तो भूल ही गई बोलना, पहले तो मैं पूरे होली वाले कपड़ों में हूँ, और दूसरी बात क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करना मत भूलना, क्योंकि जब मैं होली वाला जो वीडियो है वो बनाऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगा, तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना. और इसी के साथ मैं जाती हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आऊँगी. बाय बाय.